हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंटेंट। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम था और यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े जो है मेरे जमा हो गए थे एंड टेबल पे मैंने सारे कपड़े डा के रख दिए थे जो धोए हुए थे और जो हमने ऐसे निकाल के रख दिए थे वो भी कपड़े थे। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी सारे कपड़े आज फोल्ड करने पड़े और काफ़ी सारा गलाटा हो गया था वहाँ पर। आप देख सकते हो जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है वो भी काफ़ी गंदा हो चुका है, उसे भी मुझे क्लीन करना है सारा। मैं आज क्लीन कर लूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे ही जिस चीज़ पे अगर कुछ किसी चीज़ पे अगर ध्यान नहीं देते हैं, एक एक दिन भी नहीं ध्यान देते हैं ना, तो ये बच्चे इतना गंदा करके रख देते हैं। अद्विक तो सबसे ज़्यादा, अद्विक का तो इतनी परेशानी है अद्विक की। अद्विक ना यहाँ से जो ये है क्या बोलते हैं, तो जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है तो वो बेड से ही उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर का सारा जो है वो इस निकाल देता है या तो पाउडर सारी जगह गिरा देता है। तो इसी तरह से ये करता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लीन करते ही रहना पड़ता है अद्विक की वजह से। जिनके भी छोटे बच्चे हैं उन लोगों को पता होगा कि बच्चे कितनी शैतानी करते हैं। ये ना पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत शांत रहता था, तो अभी ना इतना ज़्यादा शैतानी करने लगा है। पता नहीं अभी इसको क्या हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा शैतानी करने लगा है। तो इसी वजह से अभी ना इतने काम बढ़ गए हैं मेरे इसकी वजह से कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब काम करने के बाद भी ये इतने ज़्यादा काम बढ़ा के रखता है मेरे कि आपको क्या बताऊँ। अगर मैं कुछ भी करके रख देती हूँ, अगर मैं किसी कपड़ों के फोल्ड कर देती हूँ तो वो कपड़े फोल्ड करे हुए कपड़े वो निकाल देता है, मतलब उसके फोल्ड अनफोल्ड कर देता है। तो इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे। और स्कूल इसकी ना थोड़ी सी ज़्यादा टाइम के लिए होनी चाहिए थी। अभी इसकी स्कूल ये प्ले ग्रुप में है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अद्विक कौन से क्लास में जाता है, मतलब कितने साल का है। तो अद्विक 3 साल का है। जो रेगुलर मेरे व्यूअर हैं उनको तो पता ही है, बट जो नहीं है अभी नए ज्वाइन हुए हैं तो उनको नहीं पता है। तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अद्विक 3 साल का है अभी, उसका 3rd बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है और वो ना प्ले ग्रुप में जाता है। तो प्ले ग्रुप के आप लोगों को पता ही होगा, जिनके भी बच्चे इतने छोटे हैं तो उनको पता होगा कि प्ले ग्रुप की जो स्कूल है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है। तो इसी वजह से वो 2 घंटे के लिए ही स्कूल जाता है। और यहाँ पर मैं कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ, मतलब मशीन में डाल दूँगी और मेरा काम उधर होते रहेगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इधर आ गई थी, तो जो भी कपड़े धोने के थे तो मैं यहाँ पर मशीन में डाल रही हूँ। और इस बार ना मैंने लिक्विड सर्फ एक्सेल लाया है, तो पहले मैं पाउडर वाला यूज़ करती थी तो अभी लिक्विड वाला यूज़ करने लगी हूँ। मतलब इसी बार लाया है मैंने, आपसे शेयर भी किया था डीमार्ट के हॉल में, मतलब जब मैंने ग्रॉसरी दिखाई थी आपको। और उसके साथ मैं ये वैनिश भी एक कैप डाल देती हूँ, तो इससे ना खूब बहुत ही अच्छे कपड़े निकलते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े निकलते हैं। और वाइट कपड़े तो इतने ज़्यादा अच्छे निकलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, जल्दी से निकलते हैं। कितने भी मैले कपड़े हो जल्दी से निकलते हैं इससे, और मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से ना मैं वैनिश यूज़ करती हूँ। और वैनिश ना मैं पहले वो यूज़ करती थी, क्या बोलते हैं उसे, पाउडर वाला, और पाउडर ही यूज़ करती थी, सर्फ एक्सल का भी पाउडर यूज़ करती थी और वैनिश का भी पाउडर यूज़ करती थी। तो इस बार मैंने दोनों भी लिक्विड लाया है, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि किस तरह से लिक्विड वर्क करता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे लिक्विड, और काफ़ी कम क्वांटिटी में लगता है, तो इसी वजह से मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं इसके बाद अभी लिक्विड ही लेके आया करूँगी। और यहाँ पर ना मैं आयन कर रही हूँ जो भी कपड़े अद्विक के थे। और बच्चों के कपड़े ना बहुत ही जल्दी मतलब सिकुड़ जाते, वो करते होते हैं क्या बोलते हैं उस पर ना, अगर हम लोग मशीन में डालते हैं ना तो वो मशीन में उनके टी शर्ट पे सिलवटे पड़ जाती है बहुत ही जल्दी। तो इसी वजह से अद्विक के जो टी शर्ट है वो मैं सारे फोल्ड करके अच्छे से उसके आयनिंग करके अच्छे से रख दूंगी, ताकि दूसरी बार अगर पहने तो पुराने ना दिखे, क्योंकि सारे अद्विक के टी शर्ट सारे नए ही हैं और इसके पास इतने ज़्यादा टी शर्ट है कि मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, मैं बार बार वही पहना देती हूँ उसे आगे जो दिखते हैं वो। तो इस बार मैं आगे ही मैंने अभी उसका कबर्ड ना कितनी भी बार ठीक करूँ वो कबर्ड निकालता है, मतलब उसको हाथ अभी वो होने लगा है तो की को हाथ लग मतलब पहुंचने लगा है, तो इसी वजह से वो की घुमा के अपने कबर निकालता है और उसमें सारे कपड़े जो है वो निकाल लेता है, वो पूरे गंदे करके रख देता है। मतलब उसका कबर कितनी भी बार साफ़ करो तो उसका कबर वैसे ही हो जाता है। अभी मैं उसके कबर की निकाल के रख दे रही हूँ साइड में, तो ऐसे करके करना पड़ रहा है मुझे अभी उसका। तो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर अद्विक की यूनिफॉर्म, माही का यूनिफॉर्म सारा कुछ आयन करके रख रही हूँ मैं, ताकि उनको
उनके दो दो यूनिफॉर्म है, मतलब अद्विक का एक ही है, अद्विक के सॉरी एक ही है क्योंकि ज़्यादा देर के लिए वो नहीं रहता है स्कूल में, बट माही के सारे स्पोर्ट के यूनिफॉर्म दो है और वो जो रेगुलर वाले भी दो है, तो इसी वजह से मैंने जो धोके रखे थे वो माही के और अद्विक के मैं आयन करके रख दूँगी अभी ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह से सारे कपड़े मैं आज आयन करके रख दूँगी, मतलब जब मैंने फोल्ड किए थे सारे कपड़े तब जिस जिस कपड़ों पे ज़्यादा मतलब वो सिलवटें पड़ी है तो वो कपड़े मैंने साइड में निकाल के रख दिए थे ताकि उसके आयनिंग करके मैं अच्छे से उसे फोल्ड करके रख सकूँ अभी कबर्ड में। तो इस तरह से मैंने निकाल के रख दिए थे। और इनका यूनिफॉर्म तो करना ही पड़ता है, तो इसी वजह से ये है माही का यूनिफॉर्म, अभी अद्विक का तो यूनिफॉर्म आयन करके रख दिया है और अभी ये है माही का यूनिफॉर्म, तो माही का भी यूनिफॉर्म ऐसे ही आयनिंग करके रख दूँगी। और ना मुझे थोड़ा सा कफ और कोल्ड हो रखा है तो इसी वजह से मेरी आवाज़ आपको इस तरह से आ रही है, और ना मुझसे थोड़ा सा बात भी करना नहीं हो रहा है क्योंकि बीच बीच में खांस रही हूँ तो उस टाइम ब्रेक ले रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि आज मुझे इस वीडियो को एडिट भी करना था, तो एडिट करना ही ज़रूरी था क्योंकि मैंने एडिट करके नहीं रखा था इस वीडियो को, और कल से मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड और कफ हो रखा है कि मैं बार बार खांस रही हूँ और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है मेरी, मतलब फीवर भी चढ़ गया था कल रात को, तो इसी वजह आवाज़ जो है वो टोटल चेंज हो गई है और खांसी भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की तरफ ठंड कैसी है ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि इधर तो इतना ज़्यादा मौसम ठंडा हो रखा है, अब मुझे तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ भी ठंडा हो रहा होगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है यहाँ पर, और मौसम चेंज होने की वजह से ना तबीयत काफ़ी लोगों की ख़राब हो रही है। आप भी अपने ऊपर ध्यान रखना क्योंकि मुझे ना अभी माही की वजह से वो होता है क्या बोलते हैं तो सुबह उठना पड़ता है और बाहर का भी वो टाइल्स वगैरह क्लीन करती हूँ, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा बाहर निकलने की वजह से मुझे कोल्ड और कफ हो गया है। सुबह सुबह ठंडी में बाहर मत निकला करो यार, मेरा भी उसकी वजह से ही हो गया है, मतलब दरवाज़ा बंद करके एनी टाइम रहती हूँ मैं। और यहाँ पर ना मैं वो क्या बोलते हैं तो उसकी फली जो है अपनी तुअर की, तुअर बोलते हैं हमारे साइड में और आप लोग अरहर बोलते होंगे, अरहर की जो फली होती है वो उसके दाने निकाल रही हूँ, जब ये ग्रीन रहती है उसी टाइम हमारे साइड में लेके आते हैं, जिनके यहाँ पे खेत वगैरह है तो वहाँ से लेके आते हैं। और ये ना मेरी भाभी लेके आई थी इस बार, मतलब उस दिन भाभी आई थी तो उस टाइम लेके आई थी, और उसकी फली मैं निकाल रही हूँ, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी बट इसकी सब्ज़ी आज नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी बनाने के लिए हेटे के फूल है, इसी वजह से मैं आज हेटे की सब्ज़ी बनाने वाली, हेटे के फूल की सब्ज़ी बनाने वाली, उस दिन मैंने आपको दिखाया था हेटे का फूल तो उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और साथ साथ मैं ना अपनी ग्रीन टी भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था ग्रीन टी लेने के लिए, तो इसी वजह से मैं इसके साथ ग्रीन टी भी ले रही हूँ। और यहाँ पर दाने निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, ये वाले दाने निकालना मुझे बहुत ज़्यादा जान पे आता है बट क्या करूँ, निकालना पड़ता है। और इतने सारे मतलब कितना इतना टाइम लगता है ये वाले दाने निकालने में, और ना सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन इसकी मतलब ये वाली सब्ज़ी गांव में काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है इस टाइम। हाँ, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा, जो महाराष्ट्र से है और जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि ये ना सब्ज़ी गांव में इस टाइम ना ज़्यादातर ये वाली सब्ज़ी या वो हरभरा मैंने दिखाया था उसकी सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी मतलब उसकी रस्से वाली सब्ज़ी, ये वाली सब्ज़ी खाई जाती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मतलब इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी उस टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाले जो हेटे के फूल मैंने उस दिन दिखाए थे आपको, तो मुझे उस टाइम आप में से किसी ने बोला था कि ये वाली सब्ज़ी आप हमारे साथ शेयर करो, तो मैंने सोचा चलो मैं आज बना के दिखाती हूँ आपको कि ये वाली सब्ज़ी किस तरह से बनाई जाती है। और ये भी भाभी लेके आई थी, ये मार्केट में भी मिलते हैं बट भाभी के यहाँ पे इसका पेड़ है तो इसी वजह से ये भाभी लेके आई थी क्योंकि उनको पता है कि मुझे इसके फूल पसंद है और मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मेरे घर पर जब भी मैं जाती हूँ तो ये वाला जब सीज़न होता है तो मम्मी के यहाँ पर जब जाती हूँ तो ये वाला जब सीज़न होता है तो मेरे यहाँ पर मेरी भाभी मेरी मम्मी मेरे लिए बना के रख देती है ये वाली सब्ज़ी। और मतलब सूखी भी ऐसे ही हम लोग खा सकते हैं इसको, तो इसी वजह से। और ये वाले फूल को ना मतलब ऐसे तोड़ना पड़ता है, उसमें एक ही सिर्फ वो रहता है क्या बोलते हैं एक ही डंडी ऐसी रहती है कि जो कड़वी रहती है वही सिर्फ निकालनी पड़ती है, बाकी इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसको तोड़ने में। यहाँ पर देखो अद्विक क्या कर रहा है। अद्विक अद्विक क्या कर रहे हो? अद्विक दाना काढून रालो, एक एक दाना। अद्विक भी हेल्प कर रहा है यहाँ पर मेरी। ये देखो कितने सारे दाने निकाल दिए अद्विक ने। आहा अद्विक थैंक यू बेटा। ओहो,
और ये देखो माही ने भी इतने सारे दाने निकाल दिए, दोनों भी हेल्प कर रहे हैं दाने निकालने में। हाँ, अदभी खाए बोल दो एक बार। है बिल्लू? माही? हाँ, हाय मम्मा। देखो कितने सारे दाने निकाल दिए उसने। लेकिन आपसे कितना छोटा है वो। अरे यहाँ पर मेरा सारा गलाटा पड़ा है तो ये। सो गाइस, पीछे बच्चा पार्टी, वो दाने निकाल दी और मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ ये हेटे के फूल की सब्जी। ये फूल मैंने पिछले बार आपको दिखाया था तो किसी ने बोला था मुझे कि इसकी सब्जी जब भी मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ इसकी सब्जी, तो वो भी बनाती है और उनको भी पसंद है इसी वजह से, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि ये सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इजी है गाइस। मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगता है इस सब्जी को बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देसी स्टाइल में बनाने वाली हूँ, तो चलिए फिर अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। और इसको पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी जो रेसिपी है, मतलब ये वाली सब्जी कैसे बनाते हैं और इसको आपके साइड में क्या बोलते हैं ये ज़रूर बताना मुझे। ये फूल है, हमारे साइड में इसे हिट्टे के फूल बोलते हैं, बट आपके साइड में क्या बोलते हैं ये मुझे ज़रूर बताना, और आपके साइड में मिलते हैं या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताना। गाइज, यहाँ पर चाय बना रही थी मैं, और यहाँ पर ना इनको ड्यूटी जाना था तो इसी वजह से ये बोल रही थी कि मुझे चाय पीनी है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और ना इस मौसम में चाय पीने के बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस मौसम में ना जितनी भी बार चाय मिले तो उतनी बार कम ही है। मैं चाय पीना छोड़ दिया था मैंने, बट जब से जिम ज्वाइन की थी चाय पीना छोड़ दिया था, बट ना चाय की वजह से होता ही नहीं है। जब चाय पीती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और अदरक की चाय तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट ना चाय अगर छोड़ने जाती हूँ ना तो मैं चाय की याद ही आ जाती है मुझे, इसी वजह से मैं मन में सोचती नहीं हूँ कि यार चाय मैंने छोड़ दी है करके। तो इस तरह से मैं अदरक की जब चाय बनाती हूँ ना तो मुझे भी पीने का मन करता है इसी वजह से। जब भी ये बोलते हैं कि चाय बनाओ चाय बनाओ, तो मैं अपने लिए बना ही देती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय, मतलब मेरे लिए और इनके लिए चाय बना रही हूँ, इनको ड्यूटी जाना है इसी वजह से ये। और मुझे ना ये थोड़े से हेल्प भी करेंगे उसके बाद, थोड़ा सा प्याज वगैरह काटने में, क्योंकि ये ना ऐसे मैं कभी भी सब्जी बनाती हूँ तो मुझे प्याज वगैरह काट कर रेडी करके देते हैं। और कभी कभी, मतलब ऐसा नहीं है हमेशा ही, क्योंकि कभी कभी ये रहते हैं तब, नहीं तो फिर घर पर नहीं रहता है तो फिर तो हमें ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ना इस तरह से ये सब्जी को क्या बोलते हैं, तो देसी स्टाइल में बना रही हूँ मैं। और इसमें ना मिर्च पाउडर नहीं डलता है, सिर्फ इसमें वो डलता है क्या बोलते हैं, मिर्च, खड़ी मिर्च डलती है। तो सिर्फ तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, और फिर जीरा और राई डाल दूंगी, और इसके बाद ना मिर्च को आधा आधा काट के उसमें डाल दूंगी। जब राई चटकने लगे तो उसके बाद राई उसमें हमने वो डाल देना है, क्या बोलते हैं उसे, मिर्च को डाल देना है तोड़ के, इस तरह से तोड़ के डालना है, सीधे सीधे नहीं डालना है, मतलब खड़ी मिर्च नहीं डालनी है, तोड़ के डालनी है। और उसके बाद ना उसमें प्याज ऐड कर देना है आपको, प्याज चला लेना है अच्छे से, प्याज को चला लेना है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्याज अगर उसमें ऐड करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने दो प्याज लिए है। और ना प्याज यार इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, मतलब 100 रुपीज़ के जी यहाँ पर प्याज मिल रहे हैं अभी, और आपकी साइड में कितने रुपये के जी मिल रहा है ये ज़रूर बताना मुझे। मतलब इतना ज़्यादा महंगे हो गए, मुझे भी उसका रेट नहीं पता था, ये तो मुझे बताते नहीं है रेट वगैरह, क्योंकि ये बाहर जाते हैं तो लेके आते हैं। उस दिन मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि यार इतने ज़्यादा महंगे हुए हैं प्याज, और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं दो दो तीन तीन प्याज डाल रही थी घर में, मतलब सब्जी में, तो इसी वजह से इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कितने ज़्यादा महंगे हुए हैं प्याज। और यही लेके आता है ड्यूटी से आते टाइम, यही सब्जी वगैरह लेके आते, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर जाने की और सब्जी लेके आने की। तो इसी वजह से मुझे किसी चीज़ के रेट नहीं पता है। तो यार ये बोलते हैं ना कि हाँ क्या बोलते हैं, बाहर जाओ और दाल आटे का बात मतलब भाव पता चलेगा, तो इस टाइप का मेरा हो गया है। और मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता है, मतलब क्या होता है ये, मतलब क्या चीज़ चल रही है, रेट क्या चल रहे हैं, तो वैसे ही है। क्योंकि मुझे, मैं इसके लिए बाहर नहीं जाती हूँ, मतलब सिर्फ सब्जियों के लिए, नहीं तो फिर हम लोग जब ग्रॉसरी वगैरह लेके आते हैं तो हम लोग साथ में ही जाते हैं ग्रॉसरी वगैरह लेके आते हैं, तो बाकी की चीज़ों की तो रेट पता है, बट सिर्फ सब्जियों के रेट नहीं पता है, क्योंकि सब्जी यही लेके आते हैं।
तो सब्जियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है इस टाइम, क्योंकि अगर यार इस सीज़न में सब्जियाँ निकलती है बट इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है सब्जियाँ। और सब्जियों के रेट बताने के चक्कर में मैंने आपको रेसिपी भी नहीं बताई, तो मैं आपको बता दूं कि प्याज जब मैंने डाला था उसके बाद मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला उसमें, और उसका वो होने के बाद उसमें मैंने वो फूल डाल दिए और नमक डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डाल दी, तो बस हो गया। और देसी स्टाइल से मेरी जो सब्जी है वो रेडी हो गई है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, मतलब थोड़ा सा ढक के रखना है और पक जाएगी। और इसको ना काटना भी नहीं पड़ता है इतना, वो डायरेक्ट डायरेक्ट फूल हमें उसमें ऐड कर देना है, और उसको थोड़ा सा जब पक जाए तो उसको आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, तोड़ना है उससे, जैसे मैंने किया था। और यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर यही फ्रेंड आई थी मेरी, तो इसने ही मुझे प्याज के रेट बताए थे, इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं प्याज। और हम इसको ना मैं जब भी आती है तो ऐसे ही खाना खाने के लिए बिठा देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई खाना खाने के लिए नहीं रहता है, और मुझे ना मतलब अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नहीं रहते हैं, तो फिर इसी को मैं, ये आती है तो मैं बिठा देती हूँ इसको खाना खाने के लिए, साथ में खाना खा लेते हैं हम लोग। बाप रे कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। माही या माही बोल रही हो, अद्विक अद्विक ने देखो यहाँ पे कितने सारा निकल के रखा है, ये सारे जो खिलौने थे अभी तक निकाले, मैंने इसको ही बोला साफ करने के लिए, अभी इसको ही बोला कि उठाओ और वहां पर अपनी जगह पे रखो, और एक एक करके, और मेरा काजल देखो कैसे हो गया, एक एक करके अपनी जगह पर रख रहा है अभी पूरा, ये जो क्या बोलते हैं टब है, बाथ टब पूरा भर दिया अपने खिलौने से। और हाँ आपकी साइड में ठंड है या नहीं है अभी बताना मुझे जरूर कमेंट कर, है ना, बहुत ज्यादा ठंड है ना। हाँ लेकिन अद्विक जर्किन पहन रहा है निकाल दे रहा है, जर्किन पहन रहा है निकाल दे रहा है, मैं भी अभी पहनने वाली हूँ, क्योंकि अंदर अभी दरवाजा बंद करके हम लोग बैठ रहे हैं, अभी खोला माही ने दरवाजा, बट जैसे ही दरवाजा ओपन किया माही ने तो वैसे ही इतनी ठंडी हवा आई तो पता चला कि बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, हम लोग दरवाजे बंद करके बैठे थे। तो चलिए फिर अभी बताना जरूर आपके साइड में ठंड है या नहीं है, और मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। हाँ आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, हाँ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, अच्छे काम किए अद्विक ने, बहुत अच्छे काम किए, मैंने इससे ही उठवाया पूरे के पूरे, पूरा घर गंदा करके रखा था, पूरा घर खिलौने से भर गया था, मैंने बोला आप ही उठाओ अब, तो उठा दिए बच्चे ने, है ना, पूरे उठाए उसने, और पूरे वो क्या बोलते तो उसमें इसमें डाल भी दिए बाथ टब में उसके, है ना अद्विक, गुड बॉय बन गए हो आप अब, है ना, गुड बॉय बन गए हो। तो चलिए फिर बाय बाय बोलो, टेक केयर, लव यू। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।